अंकिता को जिस प्रकार से पेट्रोल डाल के शाहरुख ने आग लगाया था, वैसे ही यहाँ पे लाया जाए शाहरुख को और उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जाए। जी सर। बस ऐसा करने से देश में हो रही अपराध की घटनाओं पे लगाम लग, एकदम लगाम लग जाएगा। सऊदी अरबिया में कोई लड़की को नहीं छेड़ता है, ईरान में कोई लड़की को नहीं छेड़ता है, इराक में भी नहीं छेड़ता है, इजराइल में भी नहीं छेड़ता है, इजराइल जबकि मुस्लिम देश नहीं है, अमेरिका में भी छेड़खानी की घटनाएं आपको इतना नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर लेके जो है पुलिस जो है अपराधी के पीछे लग जाता है। तो अगर उसने अपराध किया है और उसके वजह से अंकिता मर गई है तो उसको लाया जाए, और मान लीजिए कि उसको पूरा ना जलाया जाए, कम से कम उसका एक हाथ जला के देखा जाए कि जलने के बाद दर्द क्या होता है, दर्द क्या तो उसको दिखाया जाए। और अगर झारखंड पुलिस में कोई मर्द पुलिस वाला है तो सीधे उसको एनकाउंटर कर दे, बात खत्म सीधे। नहीं तो एनकाउंटर के बाद फिर उनके ऊपर भी तो कर, नहीं तो झारखंड के पुलिस वालों की भी बेटी है, डीजीपी, डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई सबकी बेटी है, और उनकी भी बेटियों को छेड़ा जाएगा, और जब उनकी बेटी के लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो उनके लिए भी धारा 44 लगा दिया जाएगा। तो कोई तो झारखंड पुलिस में मर्द होगा, वो मर्द जो है ना एकदम घुस जाए और ठोक दे उस अपराधी को, बात खत्म, बस इतना कर दे। इन लोगों का कहना है कि अस्पताल में उनकी सही समय से इलाज नहीं हो पाया या सही व्यवस्था नहीं था। देखिए, एक अंकिता मरी है तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, ऐसे हजारों लोग पर डे मरते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही के वजह से। नेताओं के लिए एम्स बनाया गया है, वीआईपी अस्पताल बनाया गया, बड़ा बड़ा प्राइवेट अस्पताल बनाया गया, जो जनता को लूट के जो है नेता बनते हैं। झारखंड के ही चतरा जिले की एक लड़की रिम्स में भर्ती है जो पिछले 24 दिनों से इलाज चल रहा है और एसिड अटैक से पीड़ित है। तो झारखंड के लोग नहीं जानते हैं कि झारखंड का विधायक का गाड़ी जो है एयरपोर्ट पर टकरा जा रहा है, अभी आज ही का ना वीडियो वायरल हुआ है। तो सरकार और विधायक जो भी हो, जो भी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो पार्टी था बीजेपी का वो सही है, लोग कोई सही। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अंकिता को न्याय मिले जल्द से जल्द, और जिस तरह उसने जला दिया है उसी तरह उसी कातिल को भी जलाना चाहिए, ताकि उसको भी लगे जलने के बाद कैसा लगता है। मैं यही, लोग दूसरे को बहुत आसानी से जला देते हैं, लेकिन खुद का थोड़ा सा जलेगा ना तो माँ और बाप निकल जाता है, अम्मी अब्बू निकल जाता है, खुद का जलेगा तो इसलिए अच्छे से दूसरे को भी जलाने से पहले अपने आप में जला के देखो कि कैसा लगता है। उनको जलाएगा वही ना, हम लोग जलाएंगे, लेकिन निकाले तो प्रशासन निकालेगा ही नहीं उसको, उसको यहाँ तक कि यही जलेगा, यही चौक में। जैसे कि वो लड़का इतना बेशरम है, अगर उसको चार डंटा पड़ा रहता ना थाना के अंदर, चार डंटा अगर लगता उसको थाने में, तो जब वो गिरफ्तार हुआ तो मुस्कुराते हुए जा, इतना बेशरम है उसको, उसके पीछे बड़ा आदमी का हाथ है आप समझिए, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर रहा है आराम से एकदम इजीली। तो आज फोरेंसिक टीम आई थी और सीआईडी की टीम भी शायद से आई है, वहाँ जाने के बाद पता चला, तो सीआईडी आई है तो शायद उनके पीछे जो लोग हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। हो सकता है, भगवान करे जल्दी पकड़ा जाए, और हम लोग यही चाहते हैं कि शाहरुख नाम का लड़का को जल्द से जल्द फांसी में चढ़ाया जाए, ताकि और लड़की के साथ हत्या ना हो और लड़की के साथ ये काम ना हो। अभी हम झारखंड के दुमका जिला के टीन बाजार चौक पे हैं और यहाँ पे कुछ लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। दो चार दिन पहले अंकिता नाम की लड़की पे, उसके घर पे शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल जाल डाल के आग लगा दिया था। ये हम इन लोगों से जानते हैं यहाँ पे क्यों हैं और क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? है प्रतिभा मिश्रा। यहाँ पे क्यों आप कैंडल मार्च लेके निकले? अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए। आप क्या चाहती हैं? दोषी पकड़ा गया उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको फांसी होना चाहिए जल्द से जल्द, और उससे भी कोई कड़ी सजा हो तो वो होना चाहिए, उसको पी चौराहे पे लटका के उसको काट देना चाहिए। इतने दिन के अंदर फांसी हो जाना चाहिए, सरकार से आपकी क्या मांग? सरकार से तो मेरा है कि अभी चार पाँच दिन हो गए, इसी दिन उसको फांसी हो जानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ पता हो तो भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ तो सब कुछ पता रहता है, फिर छः छः साल लग जाता है केस को जानने में, ट्रायल करने में, गवाह होने में। तो आप क्या चाहती हैं, कब तक फांसी हो जाए? फांसी तो हम चाहते हैं कि एक महीने के अंदर हो, और अगर सरकार ये करे तो एक सप्ताह के अंदर ही उसको होना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा घिनौना अपराध किया है कि उस फांसी भी कम पड़ेगा उसके लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाखा कुमारी है। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? हम यहाँ हैं क्योंकि अंकिता का कातिल अभी भी जिंदा है,
हम लोग चाहते हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, ये नहीं कि लंबा प्रोसीजर चले 6 महीना साल भर। कहीं कहीं प्रशासन इनकाउंटर कर देती है, गाड़ी पलट देती है, यहाँ वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नहीं ना होगा, यहाँ जेएमएम का सरकार है, यहाँ पे नहीं सरकार किसी की, वो इंसाफ तो आम आदमी को मिलना चाहिए, तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए ताकि और सबके लिए नजीर बने। कितने दिन के अंदर आप चाहती हैं फांसी? हम चाहते हैं प्रोसीजर होता है कुछ, इसीलिए महीना भर के अंदर उसको फांसी होना चाहिए। अगर महीना भर के अंदर फांसी नहीं होता है तो आप लोग अगला कदम फिर आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा करेंगे, क्योंकि मीडिया। आपका क्या नाम? हिमांशु मिश्रा, केंद्रीय प्रमुख छात्र चेतना संगठन। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? दुमका में जो पिछले 4-5 दिन पहले जो घटना घटी है, यह विभत्स घटना है, जिस घटना की कोई परिकल्पना नहीं कर सकती है। हमारी बेटियां घर में जब सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगी? सरकार को इस पर संदेश देने के लिए कि हमारी बेटी के साथ दुमका में जो हुआ है, उसके हत्यारे को, उस जघन्य हत्यारे को 1 माह के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करे। उस कांड में जो भी व्यक्ति संलिप्त हैं, जिन्होंने भी हत्यारे को किसी भी तरीके से मानसिक रूप से, मॉरली रूप से, किसी भी रूप से मदद किया है, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको ऊपर उसे भी दंडित किया जाए। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको क्या लगता है इस घटना में 2 ही लोग संलिप्त? जी नहीं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस घटना में कोई एक गैंग काम कर रहा है। जिस तरह से आज एक फोटो को वायरल किया जा रहा है, वह यह संदेश दे रहा है कि इस घटना के पीछे कोई फंडिंग एजेंसी और कोई एक गैंग काम कर रहा है, और ऐसे ही गरीब घर की बच्चियों को वह टारगेट करता है जिस घर में गार्जियन नहीं रहता है। फोटो कोई भी वायरल किया जाए, कोई किसी के साथ रहे मैटर वो नहीं करता है, लेकिन अगर आपस में बिगाड़ होता है तो उसे पेट्रोल डाल के थोड़ी जला देंगे। वही मेरा कहना है कि आखिर जिसने भी आज ये फोटो वायरल किया है, उसका मकसद क्या है? वो अपना मकसद बताए, वो उस फोटो वायरल करने के पीछे संदेश क्या देना चाहता है? निश्चित रूप से उस हत्यारे के पीछे वह एक इमोशन लोगों का लेना चाह रहा है, एक भावनात्मक लगाव लेना चाह रहा है, लेकिन सभी को पता है कि वह हत्यारा है और किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग अंकिता के घर पे गए थे और भी कुछ स्थानीय लोगों से बात किए थे, मंदिर पर भी कुछ लोग अनशन पे बैठे हैं, वहाँ भी हम लोग गए थे, पता चला कि 5 से 6 दिन के दौरान इलाज के दौरान भी विभिन्न अस्पतालों में कुछ गड़बड़ियाँ रही। अगर गड़बड़ियाँ नहीं होती या सही समय पर अंकिता का सही इलाज हुआ होता तो शायद वो आज हमारी बीच रहती। इस पर आप क्या कहना? निश्चित रूप से अंकिता के इलाज में 1% 2% नहीं, 100% सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती गई है। जिस समय की अंकिता के साथ ये घटना हुआ था, सुबह 4 बजे हुआ है, वह अस्पताल गई है, उसको यहाँ से एयरलिफ्ट किया, एम्बुलेंस से अस्पताल गई थी दुमका, या फिर वो अपने घर वाले टोटो से ले गए हैं। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है, लेकिन नहीं भेजा गया प्रशासन के द्वारा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सेफ्टी दिया जाता है कि उसको ठंडक प्रदान हो। उनकी बहन बोल रही थी कि जले हुए जिस वार्ड में वो लोग एडमिट कराए थे वहाँ एसी भी काम नहीं कर रहा था, और रांची के रिम्स में वो लोग खुद का पंखा खरीद के और वो काम चला रहे थे। तो इस पे आप सरकार को क्या संदेश देना? हम यही देना चाहते हैं कि एक समुदाय है जो हल्का सा उसको चोट लग जाता है कुछ घटना के क्रम में, तो उनको एयर लिफ्ट किया जाता है, एयर एम्बुलेंस किया जाता है बाहर में। लेकिन ये जो लड़की है जो कि बहुत हिम्मत वाली थी, वो देखिए आप 90% सरकार ही ना एयर लिफ्ट करती है, एयर एम्बुलेंस सुविधा कराती है, और सरकार को हमारे आपके जैसे लोग ही ना चुनते हैं। सबसे पहले गलत तो हम हुए ना, हम ही ना ऐसे सरकार को चुन देते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। नहीं चुने हैं, जो भी है सरकार को चुना है नहीं चुना है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार अभी है हेमंत जी, हम यही चाहते हैं कि कानून का दायरा में रह के अच्छे से उनको सजा दे। बिल्कुल। आपकी क्या? मैं राजीव मिश्रा छात्र चेतना संगठन से आज देखा कि हम लोग जो सैकड़ों के संख्या में दुमका वासी का ये रैली है, यह श्रद्धांजलि मार्च एक अंकिता जो देश की बेटी है आज अपितु यह मुद्दा पूरे देश का हो गया है। आज आप बिहार से चलकर हमारे दुमका में आए हैं, छात्र चेतना संगठन को पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा रोका जा रहा था, फिर भी अगर हमें अपने घर में अगर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए अगर प्रशासन रोकती है तो फिर भी हम अपने शोक संवेदना प्रकट करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, और यह आवाज तब तक चुप नहीं होगी जब तक उस हत्यारे को फांसी नहीं मिल जाए। और उन परिवार के लोगों के लिए, काफी उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, पता चला वो ट्यूशन पढ़ाती थी और उससे कुछ अर्निंग होता था जिससे घर परिवार चलता था, तो घर के लोगों के सपोर्ट के लिए आप सरकार से क्या मांग? मैं सबसे पहले जिला प्रशासन से और माननीय उच्च न्यायालय से, क्योंकि यह उच्च न्यायालय ही सुरक्षा प्रदान करेगी, सरकार सबसे पहले अंकिता के पिता को जो संजीव जी हैं, उनके दादी को, उनके दादा को, और सबसे मासूम वह भाई जिसका कोई कसूर नहीं था, अंकिता के सहारे वह पढ़ना चाहता था, जीवन में कुछ बनना चाहता था, देश का नाम रोशन करना चाहता था, उस भाई का जो
मंसूबा था, आज ये इस हत्यारे ने मंसूबे को पानी फेर दिया है। मैं उस भाई की सुरक्षा का व्यवस्था कराना चाहता हूँ और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि उस भाई को बोर्डिंग स्कूल भेजा जाए जहाँ से वह अपने जीवन को रोशन करे और अपने दुमका का नाम रोशन करे, अंकिता का नाम रोशन करे। उसका उसको सपोर्ट अगर करना है उसके परिवार को तभी न्याय होगा जब लड़का फांसी चढ़ेगा। यहाँ जुटे सभी लोगों का मांग है कि अंकिता के हत्यारों को तुरंत जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए और उनके परिवार को आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। लाख जगह जलाना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फांसी दो। कितने दिन के अंदर फांसी होना चाहिए? आप फैसला लीजिए आप लोग। हम लोग तो फैसला चाहते हैं कि कल ही फांसी होना चाहिए, कल ही फांसी देना चाहिए। यहाँ पे आप लोग क्यों इकट्ठा हुए? ये 23 अगस्त की एक बर्बरतापूर्ण घटना हुई दुमका में बहन अंकिता के साथ, और झारखंड सरकार 24 कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इस झारखंड में रहते हैं जहाँ 24 अगस्त को अपने पूरे कैबिनेट के साथ वो पिकनिक मनाने जाते हैं, खुद सीटी बजाते हैं, फेसबुक में वो कमेंट करते हैं निर्मम सरकार। और इस सरकार को चुना कौन है? हम लोग चुने हैं। दोषी कौन है? दोषी कहीं ना कहीं हम भी हैं एकदम बिल्कुल, चूँकि उसके लुभावने वादे में आ गए और अगले बार रोज होती है ऐसी बोला है सर हेमंत सोरेन जी कहे अभी मैं इसमें रोज माइक पे सुना, अभी भी सुना है मैंने। और अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो? हाँ तो वो सोचेंगे वो। हाँ वो बढ़िया। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनको फांसी होना चाहिए। कितने दिन के अंदर? शाहरुख को फांसी होना चाहिए। कितने दिन के अंदर फांसी होना चाहिए? वो दिन नहीं, प्रशासन वो कोर्ट का काम है। अभी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने अभी हम न्यूज में देख के आए हैं कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है तो आपको उम्मीद है कि अब इंसाफ? हाँ इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ दिलाना है, इंसाफ दिलवाइए आप लोग। हम लोग उसके लिए बहुत उपाय है, बहुत सी उपाय है आज हिंदुस्तान में, बहुत सी उपाय है। आप लड़ेंगे उस लड़की के लिए और बहुत से उपाय के लिए प्रयास करेंगे? हाँ प्रयास करेंगे हम लोग। हाँ उसके लिए प्रयास करेंगे हम लोग, पूरे समाज, पूरा यह हर समाज के लोग, हर तबका के लोग, हिंदू नौजवान बूढ़े हाँ महिला बच्ची बच्चा लोग सारे लोग उसके साथ हैं। अभी हमारे एमपी साहब ने कल गए थे, सुनील सोरेन जी जो यहाँ के एमपी हैं कल गए थे, परिवार वालों से मिला है जब ये घटना घटी थी उस वक्त, और मुआवजा भी उनको देने का काम किया है। चलिए उनके घर पे हम लोग गए थे और उनके घर वालों का भी कहना है कि पहले से ही यहाँ के एमपी साहब उनके संपर्क में थे और जब दुमका में उन लोगों का इलाज चल रहा था उसके दौरान मदद किए और अपने खर्चे से रिम्स अस्पताल तक भेजे थे। एमपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द शाहरुख को फांसी की सजा दी जाएगी और इन लोगों की सोच और मांग पर आप खड़ा उतरेंगे। मुआवजा मिले उनके परिवार को, मुआवजा मिले उनके परिवार को, मुआवजा मिले। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice!